हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑस्मोरेगुलेशन के आखिरी पार्ट यानी ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये ऑस्मोरेगुलेशन के ऊपर मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो एनिमल्स थे, जो ताज़ा पानी में या समुद्र के पानी में रहते हैं, उनके मुतालिक डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं, यानी खुश्की पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं, उनके मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं? दोज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी कहा जाता है कि जिंदगी का आगाज पानी में हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू में एक्वेटिक थे, पानी में ही रहते थे, वहां उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ऑस्मोरेगुलेशन के नहीं आते थे, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर पानी से मिलता था। लेकिन जैसे ही वो माइग्रेट हुए, पानी से निकलकर खुश्की पर आए, तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लिहाजा ये जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए उन्हें मुख्तलिफ एडॉप्टेशन करनी पड़ी। एडॉप्टेशन क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां लानी पड़ी ताकि वो इस खुश्की के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं एडॉप्टेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या तब्दीलियां उनकी बॉडी में हुई जिसकी वजह से वो जमीन पर अपना ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने में कामयाब। तो देखते हैं जरा एडाप्टेशन देखते हैं। व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी से निकलकर खुश्की की तरफ आए, ऑल एनिमल फेसेस द डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन। सबसे बड़ा मसला जो इन एनिमल्स के साथ पेश आया वो था कि उनकी बॉडी का पानी उड़ने लगा, वो खुश्क होने लगे, वो डेसिकेट होने लगे। डेसिकेट का मतलब होता है वो बिल्कुल खत्म होने लगी उनकी जिंदगी, वो बिल्कुल पिचक गए, हवा क्यों गए, उसमें से पानी एवेपोरेट होने लगा। एंड लैंड एनिमल्स हैव मेनी एडॉप्टेशन टू सर्वाइव ऑन लैंड, सम ऑफ देम आर। अब उनकी बॉडी में कुछ खास तब्दीलियां आई लैंड पर रहने के लिए, जिनमें से कुछ खास ये है। नंबर वन, स्किन एज इनहैबिटर। सबसे पहली जो चीज बनी वो थी उनके ऊपर स्किन। सख्त किस्म की वाटरप्रूफ लेयर स्किन बन गई, जिसने के पानी की एवेपोरेशन को यहां से रोक दिया। ठीक है जी। सो वाटरप्रूफ लेयर सच एज ह्यूमन स्किन दैट प्रिवेंट द वाटर लॉस। पहली जो उनमें तब्दीली आई, पहली एडाप्टेशन ये आई कि उनकी स्किन सख्त हो गई। पहले बिल्कुल नरम थी पानी की वजह से, अब वो खुश्की की वजह से सख्त होकर वाटरप्रूफ हो गई कि उसमें से अब पानी नहीं उड़ सकता। सेकंड, लॉस एंड गेन ऑफ वाटर। अब पानी कैसे उनकी बॉडी में आने जाने लगा खुश्की के ऊपर? पहला हो गया, दे लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फीसिस एंड स्वेट। अब तीन तरह से उनकी बॉडी से पानी लॉस होने लगा। पहला यूरिन के जरिए, स्वेट पसीने के जरिए, और फीसिस बहाने के रास्ते उनका पानी जो है वो बॉडी से लॉस होने का तरीका ये हो गया। डायरेक्ट स्किन से पानी एवेपोरेट होना बंद हो गया। सेकेंडली ब्रीथिंग, जब वो सांस लेते थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो पानी लॉस होता था। अब गेन कैसे करते थे? दे गेन वाटर, दे टेक इट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। अब पानी जब उन्हें जरूरत पड़ती, जब वो खाना खाते और उसके साथ पानी पीते, तो उनकी बॉडी का पानी पूरा हो जाता, वापस ऑस्मोरेगुलेशन नॉर्मल पे आ जाता। फिर उन्हें रिड्यूस किया एवेपोरेशन को, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी में जो स्किन के ऊपर मसाम थे उससे भी एवेपोरेशन ज्यादा हो रहा था, उसको भी उन्होंने रिड्यूस किया। दोज एनिमल्स दैट लिव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन conserve water by being nocturnal, ये बड़ी important बात है, and take water from their food and some small amount of water from the fruit in dry condition. अच्छा, वो animal जो रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ condition बहुत dry होती है, उन्हें osmoregulation के लिए ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वहाँ दिन के वक्त शदीद गर्मी पड़ती है और हवा में नमी नहीं होती, तो उनका पानी बहुत ज़्यादा evaporate हो जाता है। तो इस सूरत से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो नॉकचर्नल हो जाते हैं। नॉकचर्नल क्या होते हैं?
वो एनिमल जो रात को एक्टिव होते हैं या उस वक्त एक्टिव होते हैं जब एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा हो, और दिन के वक्त वो छुप जाते हैं, वो बाहर नहीं आते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी बॉडी का पानी बहुत ज़्यादा एवेपोरेट हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने एवेपोरेशन को रिड्यूस करने का तरीका सीख लिया। सेकंड, फिजियोलॉजिकल मेथड। कुछ फिजियोलॉजिकल मेथड भी हैं, जैसे इन मैमल वाटर लॉस इज मिनिमाइज बाय द अल्टरिंग द यूरिन फॉर्मेशन एंड डिक्रीजिंग स्वेट प्रोडक्शन। कुछ जो मैमल्स हैं, खास तौर पर मैमल की स्किन के ऊपर सुराख होते हैं, छोटे छोटे मसाम होते हैं, उससे पानी एवेपोरेट होता है, लेकिन उन्होंने कुछ खास चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर लाई जिसकी वजह से वो यूरिन की फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर लिया, और उन्हें कम कर लिया या कंसंट्रेटेड यूरिन बना लिया। इसके साथ साथ स्वेट को यानी पसीने को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो उनकी बॉडी से लॉस ना हो सके। ये फिजिकल मेथड में आता है। उसके अलावा रोल ऑफ किडनीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का, स्पेशली ह्यूमन और कुछ दूसरे वर्टिब्रेट्स में, वो किडनी होते हैं। और किडनी वो ऑर्गन्स हैं जो पानी की कमी बेशी को बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं। साल्ट और वाटर का मेन बैलेंस जो कंट्रोल करना है वो किडनीज करते हैं, और किडनीज का यूरिन बनाने का जो अंबल है, ये डिपेंड करता है बॉडी के अंदर कितना पानी है। अगर पानी ज्यादा है तो ये डायल्यूटेड यूरिन पैदा करते हैं, और बहुत ज्यादा यूरिन पैदा करते हैं, पानी उसमें ज्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी है तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं, और ऐसा करने के लिए इनमें स्पेशल हार्मोन्स काम करते हैं, जैसे एंटी डायल्यूटिक हार्मोन है, जिसे शॉर्टकट में ADH कहा जाता है। ये वाटर का जो बैलेंस है उसको यूरिन फॉर्मेशन के दौरान कंट्रोल करता है। कहाँ से? जो किडनीज के अंदर खास तौर पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उनके जो लूप होते हैं, उनकी जो नालियां होती हैं, उसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब करना ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन का काम होता है, और वही वहां काम करता है। किडनी प्ले मेजर रोल्स इन द ह्यूमन ऑस्मो रेगुलेशंस बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन एंड एज अ वेस्ट। फॉर एग्जांपल, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है, मैंने कहा, अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर। अगर बॉडी में पानी ज्यादा है तो यूरिन डाइल्यूटेड होगा, ज्यादा निकलेगा, पानी उसमें ज्यादा खारिज होगा। लेकिन अगर बॉडी में पानी कम है तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। एक और टर्म है यहाँ जनाब, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है? बड़ा अहम सवाल है, कभी कभी पूछा जा सकता है और ये MCQs में भी आ सकता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिसमें वो किसी हद तक, किसी कुछ देर तक जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एनिमल्स के अंदर ये सलाहियत बड़ी स्पेशल तौर पे पाई जाती है। मसलन पहला है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड की जो स्किन होती है ना, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। वो वैक्सी लेयर क्या करती है कि पानी के एवेपोरेशन को रोकती है, और किसी हद तक इनको जो है वो एनहाइड्रोबायोसिस में हेल्प करती है। आर्थ्रोपोड्स हैव वैक्सी कोटिंग लेयर्स एंड एज ऑन देयर एक्सोस्केलेटन। उनके बाहर का जो स्केलेटन, हमारा स्केलेटन अंदर है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनका स्केलेटन जो है वो बैरूनी होता है, और वो एक वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटरप्रूफ होती है और पानी को रोकती है लॉस को। उसके बाद कैंगरू रेट, ये एक छोटा सा चूहा है जो कि ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये काफ़ी अरसे तक पानी पिए बगैर, और या बहुत ही थोड़े पानी या बहुत ही थोड़ी फूड जिसके अंदर हल्का सा के पाया जाए, पानी की मिकदार हो, वहाँ भी सर्वाइव कर सकता है। सो कैन लिव इन मैनी डेज एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस स्वेट एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ये अपना पसीना भी कंट्रोल कर देता है, पसीना पैदा नहीं करता, और इसके साथ साथ ये कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करता है। कैमल, आपको पता है कैमल रेगिस्तानी इलाकों में रहता है, और रेगिस्तान में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। सो ये भी दे कैन स्टोर वाटर इन देयर रूमेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं कि ऊंट के पेट के अंदर एक एक्स्ट्रा खाना होता है जिसके अंदर वो अब पानी लंबे अरसे तक स्टोर कर सकता है, और जब कभी उसको बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज होती है तो वो अंदर के पानी को ही इस्तेमाल करता है। इसी तरह से यूरोमेस्टिक एक एनिमल है। यूरोमेस्टिक एनिमल क्या करता है? ये भी पानी स्टोर करता है अपनी इंटेस्टाइन में, अपनी आंतों में पानी स्टोर करता है, और बवक्त जरूरत उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स
इन तरीकों से, इन अडाप्टेशन से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखते हैं। होप आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।